हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका मलिक आज आपको भरवा शिमला मिर्च बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। इसको हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, तो चलिए मेरी किचन में चलते हैं। भरवा शिमला मिर्च कैसे बनाते हैं इजी मेथड से, वो सीखते हैं आज। आज हम बनाएंगे भरवा शिमला मिर्च, जिसके लिए हमें चाहिए 3 बड़ी बड़ी शिमला मिर्च और ज़ीरा, सॉल्ट, रेड चिल्ली, हल्दी पाउडर और अमचूर। हमने 2 अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक इस टाइप से, ये देखिए, कट कर लिया है। 2 अनियन हमें इसके लिए चाहिए। ये शिमला मिर्च चाहिए हमें, हमने 3 शिमला मिर्च ली है बिग साइज़ की, और इसको हमने वॉश कर लिया है। अच्छी तरह से वॉश करेंगे इस टाइप से रब करके, और उसके बाद हम किसी भी कपड़े से इसको पूरी तरह से, इसका जो पानी है वो पोंछ लेंगे, ताकि ये ऊपर से ड्राई हो जाए। ये हम सारी शिमला मिर्च को कपड़े से पोंछ लेंगे। ये देखिए, इसका पूरा पानी जो है ड्राई हो चुका है। अब हम इसको एक नाइफ से बीच में से कट करेंगे। इस टाइप से हमें कट करना है, ताकि ये टूटे नहीं। ये हमने 1 शिमला मिर्च के 2 पार्ट कर लेने हैं इस टाइप से। ये देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम सारे शिमला मिर्च के 2 पार्ट कर लेंगे। अब जो सीड्स होते हैं शिमला मिर्च के, वो हमें नहीं चाहिए, उसको हम नाइफ की हेल्प से निकाल देंगे। धीरे धीरे करके निकालना है, ताकि ये टूटे नहीं शिमला मिर्च। इस टाइप से हम इसको अलग कर लेंगे, ये देखिए। और जो बीच वाला जो पार्ट होता है, वो भी हम पूरी तरह से कर लेंगे खाली, ये देखिए, इस टाइप से। और ये जो, इसको भी हम कट कर लेंगे नाइफ से। इस टाइप से हमने ये रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी शिमला मिर्च लेंगे, उसको भी सेम इसी टाइप से उसके सीड्स निकालेंगे, क्योंकि सीड्स हमें नहीं चाहिए, और बीच में से क्लीन करेंगे। हम सारी शिमला मिर्च को इस टाइप से बीच में से खाली कर लेंगे। ये शिमला मिर्च बहुत ही टेस्टी बनती है, और इसमें कम से कम ऑयल का यूज़ होता है, और झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। अब इसको यहाँ से कट करेंगे, दूसरी को भी कट कर लेंगे। एक माइक्रोवेव ट्रे लेंगे, उसमें हम इन सारे पीसेस को जो हमने कट किए हैं उनको रख लेंगे। ये हमारे 6 पीसेस रेडी हो गए हैं शिमला मिर्च के, ये देखिए। अब हम इनको साइड में रखेंगे। अब हम आलू का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए ये आलू हमने लिए हैं, हमने आलू को बॉयल कर लिया है कुकर में पानी डाल के। 4 या 5 विसल में आलू बॉयल हो जाते हैं। ये हमने 5 विसल लगा कर इसको बॉयल कर लिया है, और पानी निकाल कर इसको हमने ड्राई कर लिया है। अब हम इसको नाइफ़ की हेल्प से ऊपर का जो छिलका है वो पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से हमें कर लेना है। ये हमारा 1 आलू छीलकर रेडी हो गया है, ये देखिए। इसी टाइप से हमें करना है। अब हम सेकंड आलू को भी सेम इसी टाइप से कर लेंगे। सारे आलू को हम छील लेंगे, ये देखिए, इस टाइप से सारे आलू को नाइफ की हेल्प से हम ऊपर से छिलका उतार लेंगे। आप चाहे तो हैंड से भी कर सकते हैं,
लेकिन नाइफ से थोड़ा इजी हो जाता है। ये हमारे सारे आलू छिलकर रेडी हो चुके हैं। अब हम नाइफ से इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे इस टाइप से। ये देखिए, इस टाइप से हम सारे पीसेस को कट लगा लेंगे नाइफ से। ताकि इसको मैश करना इजी रहे, हम हैंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप से थोड़ा और इजी हो जाता है करना। या फिर मैश करने वाला जो होता है उससे भी आप कर सकते हैं। इस टाइप से हमारे सारे आलूओं का मिक्सचर, ये देखिए, इस टाइप से रेडी हो गया है। अब हम इसको साइड में रखेंगे। ये स्वीट कॉर्न लेंगे। ये 2 स्पून हमने स्वीट कॉर्न ले लिए हैं। इसको थोड़ा पानी डालकर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ये हमने पानी निकाल दिए हैं। ये देखिए, इस टाइप का बॉयल हुआ है। इससे ज़्यादा हमें इसको बॉयल नहीं करना, क्योंकि जब माइक्रोवेव में हम पकाएंगे तभी ये कुक हो जाएगा। इसे हम साइड में रखेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे गैस पर और उसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 स्पून। 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही ज़ीरा ब्राउन हो जाए, ये देखिए ज़ीरा ब्राउन होने लग गया है, तो हम 2 बड़े अनियन जो हमने बारीक कट किए थे वो हम इसमें डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। ये अनियन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें फ्रेश अदरक डालेंगे, कद्दूकस करेंगे अदरक को। आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं। ये लहसुन है फ्रेश, इसको भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अच्छी आती है फ्रेश फ्रेश की। आप चाहे तो इसको भी कूट कर डाल सकते हैं। फ्रेश लहसुन की जो स्मेल है बहुत ही अच्छी आती है। ये हमने सारा लहसुन डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए और नीचे ना लगे। इसमें मोटी इलायची डालेंगे, 2-3 मोटी इलायची डालनी है। इनको दानों को खोल के डालना है, या फिर आप इसको कूट कर भी डाल सकते हैं हल्का सा दरदरा सा। इस टाइप से हमने इसमें मोटी इलायची डाल दी है। 2 तेज पत्ते डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। रेड चिली पाउडर डालेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्दी है थोड़ी पक जाए। अब जो हमने स्वीट कॉर्न बॉयल किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से स्वीट कॉर्न हम बचा लेंगे, बाकी हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न को भी हल्का सा ब्राउन कर लेना है। अब हम जो आलू का मिक्सचर था वो डाल देंगे। और इसको स्पून के हेल्प से पूरा मिक्स कर लेंगे हम। इस टाइप से हमें इसको मिक्स कर लेना है। जो थोड़ा सा मिक्सचर बचा हुआ है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 2 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा हमें नहीं पकाना, क्योंकि माइक्रोवेव में भी ये पकेगा। अब हम इसको कवर करेंगे और 2 मिनट तक मीडियम गैस पर पकने देंगे ताकि आलू जो है हल्के से ब्राउन हो जाएं। ये वेजिटेबल बहुत ही टेस्टी बनती है और कम ऑयल में बनकर रेडी हो जाती है। अगर कोई गेस्ट आए तो आप झटपट से बनाकर ये वाली वेजिटेबल भरवा शिमला मिर्च की आप रेडी कर सकते हैं। मिक्सचर तैयार किया और माइक्रोवेव में रख दी, 10 मिनट में हमारी वेजिटेबल रेडी हो जाती है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, आलू हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। इसको मिक्स करेंगे। इस टाइप से हमें पूरी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट और पकाएंगे कवर कर कर। 1 मिनट हो चुका है, अब हम चेक करेंगे। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। एक बार फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर हमारा रेडी हुआ है।
अब हम इसको कवर करेंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसको एक बार फिर मिक्स कर लेंगे। इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अमचूर ऐड करेंगे। अमचूर यहाँ पर हम 3 स्पून डालेंगे क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए हैं। आप चाहे तो टमाटर ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करती। इसमें हम रोस्टेड मसाला डालेंगे, ये रोस्टेड मसाला हमने डाल दिया। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 स्पून और इसको पूरी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एक ग्रीन चिल्ली कट करेंगे बारीक बारीक। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिल्ली आप अवॉइड कर सकते हैं। फ्रेश हरा धनिया डालेंगे कट कर कर, यह हमने अपने किचन गार्डन से लिया है। एक बार फिर से हम इसको प्रॉपर ढंग से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम शिमला मिर्च में इसको फिल करेंगे। एक बार फिर से हम इसको मैश कर लेंगे। ये हमारा आलू वाला मिक्सचर भरने के लिए रेडी हो गया है। ये ब्लैक ट्रे लेंगे माइक्रोवेव की और उसमें जो कैप्सिकम रखी हुई है उस पर हम मस्टर्ड ऑयल लगाएंगे ब्रश से। सारे कैप्सिकम पर हम इस टाइप से मस्टर्ड ऑयल लगा लेंगे। माइक्रोवेव में जो सब्जी बनती है उसमें कम से कम ऑयल यूज़ होता है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर रेडी होती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। लेकिन माइक्रोवेव में जब भी हम सब्जी बनाएं या उसको यूज़ करें तो हमें बोरोसिल के जो यूटेंसिल्स हैं वो यूज़ करने चाहिए। प्लास्टिक हमें इसमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक के बर्तनों में बना हुआ खाना जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये हमने सारी कैप्सिकम पर ऑयल लगा लिया है ब्रश से। ये देखिए, ये जो ब्रश है मार्केट में ईजिली मिल जाता है। अगर नहीं आसपास मिलता तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। अब हम कैप्सिकम को आलू के जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उससे हम इसको फिल कर लेंगे। एक स्पून लेंगे और इसको फिल कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से। हमें पहले नमक चेक कर लेना है कि सॉल्ट इसमें ठीक है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब हम इसको फिल करेंगे। इस टाइप से सारी कैप्सिकम को हम मिक्सचर से फिल कर लेंगे। जब हम इसको माइक्रोवेव में बनाते हैं तो बहुत ही कम से कम ऑयल यूज़ होता है। हम माइक्रोवेव तो ले लेते हैं लेकिन उसको सिर्फ गर्म करने के लिए यूज़ में लाते हैं। हम उसमें बहुत सी सब्जियों को बनाकर कम से कम ऑयल में रेडी कर सकते हैं। जैसे कि आज हम शिमला मिर्च रेडी करेंगे बहुत ही कम से कम ऑयल में और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो ये हमने सारे कैप्सिकम को फिल कर लिया है। जो आलू का मिक्सचर बचा है इसको हम परांठे में या सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो सारी शिमला मिर्च है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर स्वीट कॉर्न डेकोरेट करेंगे जो हमने थोड़े से बचा के रखे थे। सारी शिमला मिर्च के ऊपर जो है थोड़े थोड़े स्वीट कॉर्न हम लगा देंगे। इस टाइप से हम स्वीट कॉर्न डेकोरेट कर लेंगे। बच्चों को तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है वेजिटेबल और हेल्दी भी है। सबके लिए हेल्दी है, सबको पसंद आती है। ये इजी और क्विक रेसिपी है और सबको पसंद आती है और झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। ये हमने स्वीट कॉर्न लगा लिया है। अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे। माइक्रोवेव का जो टेम्परेचर है 900 पर हम रखेंगे, 10 मिनट के लिए रखेंगे और बीच में इसको 2 बार हम चेक करेंगे। चलिए हम इसको माइक्रोवेव में सेट कर लेते हैं।
ये हमने माइक्रोवेव को 900 पर सेट कर लिया है। अब हम इसको माइक्रोवेव में रखेंगे। ये हमने लगा दिया है 10 मिनट के लिए। ये हमारे 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे 3 मिनट बाकी हैं। 3 मिनट तक इसको और चलने देंगे और बीच में एक बार हमने चेक कर लिया है। ये देखिए इस टाइप से माइक्रोवेव में पक रहा है। इसमें बहुत ही कम यूज़ हमने ऑयल किया है। ये देखिए ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए चेक करते हैं कैसा रेडी हुआ है। ये देखिए इस टाइप से मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये इस टाइप का रेडी हुआ है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है। अब हम इसको निकालेंगे। गरम है, बहुत ध्यान से निकालना है। धीरे से हम इसको निकालेंगे। ये देखिए हमारा भरवा कैप्सिकम बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। हम इसको चपाती, नान और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। देखा कितना इजी था इसको घर पर बनाना। ये देखिए हमारा कितना परफेक्ट बनकर रेडी हुई है और इसमें कम से कम ऑयल हमारा यूज़ हुआ है। तो इस हेल्दी, इजी और क्विक रेसिपी को आप ट्राई करना, फीडबैक ज़रूर देना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर देना। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आज हमने अपने किचन में भरवा शिमला मिर्च कैसे बनाई जाती है इजी मेथड से वो सीखा। ये झटपट से बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनकर रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करना। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर देना ताकि हम नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकें। बाय, टेक केयर।